नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार्ट इन्वेस्टमेंट में। आज हम बात करेंगे दोस्तों वेदांता कंपनी के बारे में, जो कि एक नेचुरल रिसोर्स कंपनी है। ये कंपनी माइन और मिनरल्स सेक्टर में काम करती है। इस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे आज, इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे कि क्या ये कंपनी अभी करंट वैल्यूएशंस पे खरीदने लायक है या नहीं, इसके शेयर्स अभी बाय किए जा सकते हैं कि नहीं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे कि सबसे पहले मिले आपको इस चैनल के सारे अपडेट्स। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो, वेदांता एनालिसिस। सबसे पहले तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। ये वेदांता जो कंपनी है दोस्तों, ये एक ग्लोबली डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्स कंपनी है, जो कि एक्सट्रैक्ट करती है। क्या क्या एक्सट्रैक्ट करती है दोस्तों? जिंक, लेड, सिल्वर एक्सट्रैक्ट करती है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट है जैसे आयरन ओर एक्सट्रैक्ट करती है, स्टील इंडस्ट्री में ये काम करती है, कॉपर, एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो भी फील्ड है, जैसे स्टील इंडस्ट्री, हमारी जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें से एक है ये स्टील। ऑयल एंड गैस जो कोर इंडस्ट्री है, वहाँ पे ये काम करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है दोस्तों। हाल ही में अभी ये सेंसेक्स में थी ये कंपनी, पहले वेदांता कंपनी, लेकिन इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होने की वजह से ये हमारे सेंसेक्स जो फॉर्म होता है, हमारे इंडाइसेस, उससे ये आउट हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है दोस्तों हमारे देश के लिए, या ये मान सकते हैं हम कि जो भी ये इंडस्ट्रीज हैं, इन इंडस्ट्रीज में काफ़ी बड़ा शेयर है इनका, काफ़ी काम करती है ये कंपनी। नेक्स्ट दोस्तों कुछ बात करते हैं कि लास्ट 3 सालों में इस कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड इनका क्या रहा था, इसके बारे में देखते हैं दोस्तों कि क्या क्या है। जो ईयर था 2016-17, उसमें इसका ईपीएस था 25.72 और इस वेदांता कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था 17 रुपीज़ पर शेयर, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा अमाउंट है दोस्तों। अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर भी होते तो आपको कितना मिलता डिविडेंड? 1700 रुपये डिविडेंड मिलता दोस्तों, कि ये काफ़ी अच्छा अमाउंट है। दूसरा, 2017-18 में इसका ईपीएस था 21.96 और जो इसका डिविडेंड इन्होंने दिया था 21.2 रुपीज़ पर शेयर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 2018 और 2019 में ईपीएस था इनका 18.50 और डिविडेंड भी दिया था 18.85। तो ये जो अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग दोस्तों, पिछले 3 सालों का, काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी अट्रैक्टिव। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पिछले 3 सालों में कैसा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 17 में 15% रहा दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 18 में 16.9%, फाइनेंशियल ईयर 19 में 12.2%। ऐसा माना जाता है दोस्तों शेयर मार्केट में कि 10 के ऊपर अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है तो काफ़ी अट्रैक्टिव है वो कंपनी, अगर उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 से ज़्यादा है। यहाँ पे तो जो भी चीज़ें हमने देखी दोस्तों, इसके पिछले 3 सालों का हमने ये डाटा देखा, इस डाटा को देख के तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है ये कंपनी। लेकिन दोस्तों, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं है। हमें क्या करना है कि जो इसका करंट वैल्यूएशन है, करंट में ये क्या देख रही है, वो भी चेक करना है, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि क्या ये वेदांता कंपनी खरीदने लायक है। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसका पी अभी जो इसके जो करंट प्राइस है, करंट प्राइस इसका अप्रॉक्सीमेटली 159 रुपीज़ पर शेयर है अभी करंट मार्केट प्राइस। तो उसके हिसाब से इसका जो अर्निंग्स है और उसका पी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, वो 7.87 है दोस्तों, जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो खरीद सकते हैं इसको, माना जाता है कि 25 से नीचे अगर किसी भी कंपनी का पीई है तो उसे हमें खरीदना चाहिए, वो अट्रैक्टिव है। नेक्स्ट दोस्तों चेक करते हैं इसका ईपीएस। ईपीएस है इसका 20.39, जो करंट ईपीएस है इसका, ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। नेक्स्ट इसकी जो बुक वैल्यू है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो है इसकी बुक वैल्यू, जो कि 209.51 रुपीज़ है। और इसके एक शेयर का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है दोस्तों? 159 रुपीज़, और बुक वैल्यू कितनी है? 209। तो आप देखिए दोस्तों, इसका जो मार्केट प्राइस है वो इसकी बुक वैल्यू से भी कम है। तो हमें इस स्टॉक को अभी खरीदना चाहिए, ये यहां से ऊपर बढ़ेगा दोस्तों जरूर और हमें अच्छा रिटर्न देगा।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इसका प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है, इसका प्राइस टू बुक रेशियो कितना है, 0.77 है दोस्तों। जब माना जाता है कि अगर किसी भी शेयर का जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो 1.5 से नीचे है, मतलब जो हमारा मार्केट प्राइस हो वो बुक वैल्यू के 1.5 गुना तक भी हो तो तब भी सही है। यहां तो 1.5 गुना नहीं दोस्तों, मार्केट प्राइस से भी ज्यादा इसकी बुक वैल्यू है दोस्तों, तो यहां तो हमें ये खरीदना चाहिए। डिविडेंड यील्ड देखिए दोस्तों इसका कितना अट्रैक्टिव है, यहाँ पे डिविडेंड यील्ड है 11.74%, तो यहाँ पे हमें खरीदना चाहिए दोस्तों। ये बहुत अच्छा मौका है हम लोगों के लिए कि अगर हम यहाँ इन्वेस्ट करते हैं वेदांता में तो काफी अच्छे रिटर्न हमें मिल सकते हैं। करंट प्राइस है इसका दोस्तों 159.95 रुपीज़। मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जो भी शेयर आप खरीदें उसको अच्छे से स्टडी करें। मैंने ये खुद स्टडी किया है और मैंने खुद बाई किया है वेदांता शेयर को, आप भी स्टडी कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू भी आप स्टडी कर सकते हैं और अदर इंफॉर्मेशन भी आप कलेक्ट कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।